मोदी सरकार ने जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई है तभी से पाकिस्तान तो बौखलाया ही है, साथ ही भारत में भी कांग्रेस पीडीपी सपा समेत पत्रकार आरफा खानव पूर्व आप नेता योगेंद्र यादव जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हाय तौबा मचाए हुए हैं। मोदी सरकार ने भले ही राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए कश्मीर मुद्दे पर फैसला लिया हो लेकिन द वायर के पत्रकार आरफा खानम ने तो दो कदम आगे बढ़ते हुए एक ट्वीट में ये पूछ लिया कि आखिर ये राष्ट्र क्या चीज है, ये कहां मिलता है। 7 अगस्त को मोदी सरकार ने जब लोकसभा से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास कराया और अनुच्छेद 370 की विदाई की तो पत्रकार आरफा खानम ने ट्वीट कर पूछा आखिर ये राष्ट्र क्या चीज है, ये कहां दिखता है, कहां मिलता है, कोई शाख पर बैठी चिड़िया है या खेत में उगती मूली है, राष्ट्र एक जमीन का टुकड़ा है या उस जमीन पर रहने वाले लोग, आप राष्ट्र हैं, मैं भी राष्ट्र हूँ, ये राष्ट्रहित क्या है, ये किसका हित है, हम सबका हित ही राष्ट्रहित है। आरफा खानम के इस ट्वीट पर कई ट्विटर यूजर्स भड़क गए तो कुछ लोगों ने आरफा खानम को समझाने की भी कोशिश की है आखिर राष्ट्र है क्या। एलपीएस चौहान नाम के ट्विटर यूजर ने जवाब देते हुए लिखा है राष्ट्र क्या है, राष्ट्रहित क्या है, राष्ट्र केवल एक जमीन का टुकड़ा है या कुछ और। इन प्रश्नों के उत्तर सोशल मीडिया में, वातानुकूलित घरों में, दफ्तरों में और अखबारों में नहीं मिलेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर उन पागलों और दीवानों के पास मिलेंगे जो इसकी रक्षा के लिए सीमा पर जान देते हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है यही फर्क है तुम्हारी और मोदी की सोच में, वो अपना हित राष्ट्र के हित में देखते हैं और तुम्हारे लिए अपना हित ही राष्ट्रहित है, मगर एक बात आज अच्छी हुई, तुम सच बोल गए। प्रकाश पांड्या नाम की एक ट्विटर यूजर ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 3 साल पुराना भाषण पोस्ट कर आरफा खानम को इसे सुनने की नसीहत दी है और कहा है कि राष्ट्र क्या है, स्मृति ईरानी जी से सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। राष्ट्र क्या है पूछने वाली पत्रकार आरफा खानम के लिए स्मृति ईरानी के इस भाषण से बेहतर शायद कोई जवाब नहीं हो सकता। राष्ट्र क्या है पूछने वाली आरफा खानम ने कश्मीर मुद्दे पर भी ट्वीट कर कहा कि कश्मीर के पास इस समय ना तो कोई आवाज है, ना कोई चेहरा है और ना ही कोई नेतृत्व है। अपने बहुमत की ताकत और पार्श्विक शक्ति के साथ हमारे शासकों ने उनके भाग्य का फैसला कर लिया। कोई भी सभ्य लोकतंत्र वो नहीं कर सकता जो भारत ने कश्मीर और कश्मीरियों के साथ किया है। आरफा खानम के अलावा आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने भी ट्वीट कर कहा था कि वाजपेयी जी ने कश्मीर नीति के 3 सूत्र दिए थे, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। इन तीनों को नजरअंदाज करने वाला आज का फैसला अंततः अलगाववादियों और पाक समर्थित आतंकवादियों के हाथ मजबूत करेगा। इतिहास गवाह है कि गले लगाने के बजाय गला दबाने की नीति का खामियाजा आने वाली पीढ़ियां देती हैं। आरफा खानम, योगेंद्र यादव समेत कुछ बुद्धिजीवी लोग भले ही कश्मीर मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हों, लेकिन पीएम मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में इन आलोचनाओं का भी स्वागत करते हुए कहा था कि हम उनके मतभेदों का भी सम्मान करते हैं। पीएम मोदी ने तो यहां तक कहा कि किसी ने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया, किसी ने विरोध किया, इन सब से आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के बारे में सोचना चाहिए। पीएम मोदी का ये संबोधन आप भी सुनिए।